कुर्सी आपको सूट नहीं करती, कुर्सी को आपको सूट भी नहीं करना चाहिए। तो जनाब हम शुरू करते हैं, प्लीज तशरीफ रखिए। के अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काजिम सईद है और आपको मैं छठे सैयद मुमताज सईद यादगारी लेक्चर में खुश आमदेद कहता हूँ। आज से पहले जो सैयद मुमताज सईद लेक्चर्स मुनक्किद हुए हैं उनमें उबैदुल्ला बेग साहब ने बर्रे सगीर के सूफिया की तारीख पर लेक्चर दिया है, शमीम अहमद साहब ने जो बहुत हमारी खुशकिस्मती है कि आज मौजूद हैं इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं, उन्होंने तकलीफी काम और कर्ब के दरमियान रिश्ते में क्रिएटिविटी एंड टॉर्मेंट पर लेक्चर दिया। डॉक्टर मोहम्मद अली सिद्दीकी ने अदब पर जदीद अहद में तनकीद पर तकरीर की है, उसका जायजा लिया है। हारिस गजदर ने कबायली इलाकों में तालिबान की सियासी कामयाबी की वजूह पर तकरीर की है और खुर्रम शफीक ने इकबाल के फिक्री सफर के बारे में लेक्चर दिया है। आज इस छठे यादगारी लेक्चर को आरिफ हसन साहब अदा करेंगे, लेकिन इनके तारुफ और इनके मौजू के तारुफ से पहले इस यादगारी लेक्चर की मुनासबत से मैं सैयद मुमताज सईद साहब की याद में कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, लोग चले जाते हैं लेकिन सिर्फ अपनी यादें छोड़कर नहीं जाते, अपनी अवतार भी छोड़कर जाते हैं। और अवतार सिर्फ उन लोगों की बातों से नहीं, उनके अमल से और मिसाल कायम करने से याद रखती हैं। यहाँ कई लोग ऐसे मौजूद हैं जो सैयद मुमताज सईद को अच्छी तरह जानते थे और उनकी अवतार से बखूबी वाकिफ हैं। मेरा अंदाजा यह है कि सैयद मुमताज सईद जैसी मुतनब्बे और पुरअसर शख्सियत की अवतार का अहाता करने में मुझे कम से कम जिंदगी भर तो लग जाएगी, लेकिन अब तक जो कुछ मेरे समझ में आया है उनकी अवतार के बारे में वो ये है कि जाती जिंदगी में बेलौस मोहब्बत, सियासत में तमाम इंसानियत की ताजीम, अमल में दुनिया की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बुलंद सतह की दयानतदारी, और अफकार में सच की तलाश और खरी दलील की मुकम्मल इताअत। इन अवतार पर उनके अमल की मिसालें हमको सबसे ज्यादा याद आती हैं। ये लेक्चर सीरीज उनमें सच की तलाश और खरी दलील की इताअत को जिंदा रखने की कोशिश है। उन्होंने जिंदगी भर, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, उन्होंने जिंदगी भर अपने घर पर हर किस्म के मौजू पर माहिरीन से ऐसे लेक्चर कराए जो दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स की समझ में आ सकें, और हर लेक्चर के फौरन बाद वो बेपना तवज्जो के साथ मुबाइसे भी कराते थे। उनके जाने के बाद ये लेक्चर सीरीज उनकी शख्सियत के तनव्वो और उनके जहन की कुशादगी की छाँव में मुनक्किद होती है, और हमारी उम्मीद है कि इस लेक्चर सीरीज के तवज्जो से उनकी अवतार आज भी जिंदा है। हमने सैयद मुमताज सईद की जिंदगी के बारे में एक सवानी नोट मुरतब किया है जिससे आप उनके अमल और फिक्र दोनों के बारे में जान सकेंगे, उम्मीद है वो आप सब तक पहुंच गया होगा। उस नोट में ये भी जिक्र है कि इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची IBA ने 2009 में अपने सैयद मुमताज सईद स्कॉलरशिप फंड का ऐलान किया था, जिसमें अब तक 22 लाख रुपये जमा किए जा चुके हैं, और पहला सैयद मुमताज सईद स्कॉलर इस जखीरे से मिलने वाली आमदनी से फैज पाकर रवा माली साल में तालीम हासिल कर रहा है IBA में। और कुछ लोग जिन्होंने उसमें अतीय दिए हैं वो यहाँ मौजूद भी हैं, अगर आप इस एंडाउमेंट फंड में अतीय देना चाहते हैं तो मुझसे लेक्चर के बाद जरूर आप कीजिएगा। अच्छा, तो आज के सैयद मुमताज सईद यादगारी लेक्चर में आरिफ हसन साहब का मौजू है पाकिस्तान में समाजी तब्दीली का अमल। इस लेक्चर की इतला, ये आपकी इतला के लिए भी मैं अर्ज कर दूँ, इस लेक्चर की इतला जैसे जैसे फैलती गई है मुझसे नौजवान प्रोफेशनल्स ने, सहाफियों ने, फनकारों ने और डेवलपमेंट के शोबे से ताल्लुक रखने वालों ने जिस जोश के साथ इस लेक्चर में शिरकत की ख्वाहिश जाहिर की है, इससे मुझे ऐसा लगा कि आरिफ हसन साहब अपनी फील्ड के रॉक स्टार हैं। फिर इनके तारुफ के लिए मैंने कुछ तहकीक शुरू की तो मुझे यकीन हो गया कि ये वाकई अपनी फील्ड के रॉक स्टार हैं। तो मसला ये है कि आरिफ हसन साहब इतने सूफी मनश और मुनकसर मिजाज हैं कि अपने बारे में मेरी अब तक की गुफ्तगु पर भी मुझे यकीन है मुझसे खफा हो गए होंगे।
लेकिन क्या कीजिए, सच को छुपाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है और उनकी हवगी मोल लेना, बहुत ज्यादा मोल लेना मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए उनके बारे में एक सवानी नोट तैयार किया, वो भी आप तक पहुंच गया होगा। मैं कुछ भी कहता उस नोट में, खुद आप देख लीजिए कि आर्य फसल साहब आर्किटेक्ट भी हैं, शहरी मनसूबाबंदी के बैन अवी सतह के माहिर भी हैं, मुसन्निफ भी हैं, मुहक्किक भी हैं, मुफक्किर भी हैं, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा। ये भी देख लीजिए कि उनको पाकिस्तान के और दीगर ममालिक के कितने एजाज़ और अवार्ड मिले हैं। उन्होंने एक दर्जन किताबें भी लिखी हैं। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट और अर्बन रिसोर्स सेंटर पाकिस्तान के ऐसे इदारे हैं जो दुनिया भर में माने जाते हैं, उनमें भी आरिफ हसन साहब ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। आरिफ साहब का मौजू है पाकिस्तान में समाजी तब्दीली का अमल, समाजी रुझान या सोशल ट्रेंड्स को पहचान लेने के लिए एक सतह की काबिलियत की जरूरत होती है, लेकिन इन रुझान या ट्रेंड्स की वजूह को समझ लेने के लिए कहीं ज़्यादा बुलंद सतह की काबिलियत और बारीकीनी दरकार है, और इसका मुजाहरा आज के लेक्चर में आप देखेंगे। आरिफ साहब को अपने मौजू पर इतनी कुदरत हासिल है कि उनकी बात समझने के लिए आपको मेरी किसी वजाहत या तमहीद की जरूरत नहीं है, लेकिन नौजवान दोस्तों से मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क और हमारा माशरा जिस तरह के वक्त से गुजर रहा है वो नाजुक अंदाम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, और कभी कभी तो महसूस होता है कि पाकिस्तान हमसे जेर लब हमें मजाज साहब का ये शेर सुना रहा है कि रोए ना अभी अहले नजर हाल पे मेरे, रोए ना अभी अहले नजर हाल पे मेरे, होना है अभी मुझको खराब और ज्यादा। लेकिन ये मुल्क किस सम्त में जा रहा है, तारीख गवाह है कि अपने मुल्क की सम्त को और उस सम्त में चलने की वजूह को समझने वाली कौमें ही अपनी तकदीरें बदलने में कामयाब हुई हैं। जो कौमें ये नहीं समझ सकी उनकी तकदीरें औरों ने उनके लिए तय की हैं। पाकिस्तानी माशरा और पाकिस्तान किस सम्त में जा रहा है, इस सवाल का जवाब हम मीडिया पर टॉक शो देखकर हासिल नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि यह ख्याल भी गलत है कि हमारे मुल्क माशरे और मईशत के हर मसले को सिक्योरिटी के मसाइल, बैन अवी सियासियात और जंगो जदल की जाविये से देखना सही नहीं है, और आरिफ हसन साहब की तकरीर से भी आपको इसका अंदाजा होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अगले दो घंटे के लिए सिक्योरिटी के मसाइल, बैन अवी सियासियात, मेहरान बेस पे हमला, जंगो जदल, इनको अपने जहन की पहुँच से दूर कर दें और इस पर गौर कीजिए कि पाकिस्तान में समाजी तब्दीली के अमल के बारे में आरिफ हसन साहब की बात तस्लीम करने के काबिल है या नहीं है। आपकी खिदमत में आरिफ हसन। सबसे पहले तो मैं काजल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे दावत दी यहाँ ये गुफ्तगू करने के लिए। मैंने तो वैसे इनकार कर दिया था, मगर इन्होंने इतना प्रेशर डाला कि मुझे हाँ कहना पड़ा। इनकार मैंने इस बात से किया था, मैंने कहा कि ये कोई मौजू थोड़ी है, अब किसी को इससे दिलचस्पी नहीं है, मौजू तो इस वक्त फॉरन पॉलिसी, सिक्योरिटी और टेररिज्म है, तो आप किसी से उस पर बात करा लीजिए। मगर ये मेरे एक लेक्चर में आए थे जो मैंने इर्तका में दिया था, और इन्होंने कहा कि आप वो बातें बहुत दोहराएं। अच्छा, ये भी बातें मैं करने जा रहा हूँ, ये वक्तन फवक्तन कुछ हिस्सों में बयान कई जगह की जा चुकी हैं, मगर इकट्ठी बयान नहीं की गई जिस तरह से आज मैं करने की कोशिश करूँगा। दूसरी वजह इनकार करने की ये थी, मैंने इनसे कहा था कि मुमताज सईद साहब का जो माहौल था जिसमें पले बड़े हुए, उनकी तहजीब थी, मेरे ख्याल में लिख तक तो उस पर होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो थोड़े अरसे में हम खो देंगे और वो चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए, मगर ये उस पर रदामंद नहीं हुए। मुमताज सईद साहब से मेरी ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, सोशली मुलाकात होती थी, और जब भी मुलाकात होती थी तो समाजी और माशी मामलात पर गुफ्तगू हुआ करती थी। मेरे एक दोस्त है रियाज अहमद, जिनका मैं फिर जिक्र करूँगा, उन्होंने एक मुकालमा लिखा है जो अदब और सलाम अलैकुम का जो कल्चर है उसमें फर्क क्या है, तो ये मेरे और उनके कल्चर में थोड़ा सा फर्क था। वो आदाब वाले कल्चर के थे, मैं सलाम अलैकुम के कल्चर का हूँ, और ये मुकालमा पढ़ने से ताल्लुक रखता है, मगर ये एक और मौजू है जो
फिर किसी वक्त उस पर जिक्र करेंगे। अच्छा, ये जो मैं बातें करूंगा इसके बारे में मैं ये बता दूं कि ये जो कुछ मैं कहूंगा ये कहां से आता है, किस तरह से ये इकट्ठा किया गया है। जब मैं बच्चा था तो सर्दियों का की जो छुट्टियां होती थी वो हम मियां चुन्नू में गुजारते थे। मियां चुन्नू उस जमाने में एक छोटा सा कस्बा था, खैर अब तो बहुत बड़ा शहर है। और मेरे जो वालिद थे वो पानीपत के रहने वाले थे, दिल्ली से हम लोग यहाँ आए थे और उन्हें बहुत शौक था अपने नए मुल्क को समझने का। तो बचपन में जब वो मुल्क को समझ रहे थे, उसके जोग्राफिया को, उसके लोगों को, तो साथ के साथ थोड़ी बहुत मेरी भी समझ में आ गई बात उनके साथ रहने की वजह से और उनके साथ घूमने फिरने की वजह से। ये सारी चीज़ें मैं कलम बंद कर चुका हूँ, शायद हो चुकी हैं, लिखी जा चुकी हैं जो मैंने उस जमाने में देखा और समझा। 1968 में और 1968 के और 70 के दरमियान मैंने बहुत सफर किया पाकिस्तान में, मुख्तलिफ जगह चौकिया और दरियाए सिंध से किश्ती में लंबे लंबे सफर किए, मुख्तलिफ जगहें गए जहाँ उस जमाने में सड़कें भी नहीं थी, अब तो सड़कें हैं, और वो भी मैंने अपनी डायरी में जमा किया और वो भी मैं शाय कर चुका हूँ। फिर मेरी खुशकिस्मती थी कि गुलाम किबरिया साहब के साथ मैंने बहुत वक्त गुजारा, वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सेल के फाउंडर चेयरमैन थे, मैं उनका कंसल्टेंट था और उसकी वजह से मैंने तकरीबन सारे पाकिस्तान में उनके साथ काम किया। और उनके साथ काम करने की वजह से जो मेरी मासूमियत थी पाकिस्तान के बारे में वो बहुत हद तक ख़त्म हुई। मुझे पता लगा कबीला क्या होता है, बिरादरी क्या होती है, ज़ात क्या होती है, ख़ानदान क्या होता है और इन सब में फ़र्क क्या है और रिश्ता क्या है और ये किस तरह से समाज उस ज़माने में ऑपरेट करता था, ये भी बात उनके साथ रहने की वजह से और काम करने की वजह से समझ में आई। बहुत बड़े बड़े मंसूबे थे हमारे, मगर फिर ज़ियाउल हक़ का दौर आया तो हम दोनों को छुट्टी कर दी गई, हम मुनासिब लोग नहीं थे उस दौर के लिए। और उसके बाद अख्तर हमीद खान साहब के साथ औरंगजी पायलट प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा गुजारा और औरंगजी पायलट प्रोजेक्ट को जब मुख्तलिफ जगह लेके जाना पड़ा, सदर्न पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, जब DFP में, तो ये रिश्ता बाकी पाकिस्तान से औरंगजी पायलट प्रोजेक्ट के हवाले से बरकरार रहा। फिर मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे हुकूमत पाकिस्तान के, उन पर काम किया, मनसूबाबंदी पे किया देहाती और शहरी, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की मुखालिफत भी की देहाती इलाकों में भी, शहरी इलाकों में भी। अब मैं जो आपके सामने पेश करूंगा वो तफसील है जो मैंने तब्दीलियां इन 40-45 साल में मैंने भी देखी है और ये सारी मेरी किताबों में स्टेटिस्टिक्स के साथ मौजूद हैं। जब मैंने पाकिस्तान में काम शुरू किया था तो पाकिस्तान एक बहुत पुरअमन मुल्क था, इसमें हंगामे कम थे, डाके नहीं पड़ते थे, लोग अगवा नहीं होते थे, अलावा लेफ्ट विंग और नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स के जिनसे हुकूमत का जबर और दबाव रहता था और गिरफ्तारियां होती थी, बाकी मुल्क खामोश था। कराची बहुत नॉस्टैल्जिया है लोगों को, हम भी लिखते हैं उसके बारे में, सिनेमा थे, फिल्म फेस्टिवल होते थे, फनकार गली थी, वैरायटी प्रोग्राम्स होते थे, लिस्ट है, बार्स थे, बिलियर्ड रूम थे, डिस्कोटेक्स थे, जिक्र रहता है अखबारों में आता रहता है, फेस्टिवल्स थे, स्पोर्ट्स इवेंट्स थे।
मगर इन सब चीजों के पीछे एक बहुत बड़ी हकीकत थी जिसकी वजह से ये चीजें मुमकिन थी। और मैं उस हकीकत का जिक्र उसका तारुफ एक वाक्य से करूंगा। 1968 में मैं और मेरे कुछ दोस्त जिनमें आपका मुंजी साहब शामिल हैं जो यहाँ बैठे हैं, शायद उन्हें वो वाकया याद हो, हम कथक से लालकाना जा रहे थे 1968। सड़क इतनी खराब थी लालकाना और सखर के दरमियान कि राइस कनाल के पटरी पर जाना ज्यादा मुनासिब था, तो हम वो राइस कनाल की पटरी पर जा रहे थे। कोई गाड़ी नजर नहीं आती थी बिल्कुल भी, इक्का दुक्का बैलगाड़ी उधर जाती थी। हमारे साथ एक फ्रांसीसी था, उसने एक मोहिंदोदाड़ो किस्म की बैलगाड़ी देखी और उसने कहा स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तो आफ्ताब गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने ओवरटेक किया बैलगाड़ी को और उसके सामने जाके गाड़ी रोक दी। उस बैलगाड़ी में एक ज़ईफ़ आदमी था और एक जवान आदमी था। जवान आदमी बैलगाड़ी में से निकला और पागलों की तरह वो हफ्ते वक्त खेतों में गायब हो गया। जो ज़ईफ़ आदमी था, जब हम उतर के पास गए उसके तो हमारे पांव पड़ गया और उसने ये कहा कि साईं, आइंदा कभी आपकी गाड़ी के सामने नहीं आऊंगा, मैं कसम खाता हूं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो वाकया हुआ था 1968 में और आज में जमीन आसमान का फर्क है। तब क्या है? तब ये है कि पहली बात, वो बैलगाड़ियां तकरीबन गायब हो गई हैं, उनकी जगह सुजुकियां आ गई, टोयोटा पिकअप्स आ गई और सखर और लाड़काना के दरमियान हर चंद घंटे के बाद बस चलती है और हर चंद मिनट के बाद वैगन चलती है। अब कोई भी राइस कैनाल की पटरी पर सफर नहीं करेगा, सड़क बेहतरीन है, आप उस पर चले जाइए, कोई मसला नहीं है। तीसरा फर्क, कोई भी अब आपके पांव आके नहीं पड़ेगा इस तरफ, और कोई ये नहीं कहेगा कि ये आइंदा मैं आपकी गाड़ी के सामने नहीं आऊंगा। ये माशरा तब्दील हो गया है। उस जमाने में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, 30% पाकिस्तान की आबादी जो थी वो शहरी थी, बाकी देहाती थी। आज 50% से ज्यादा आबादी पाकिस्तान की शहरी है, हालांकि सेंसस हमारा गलत कहता है, इस पर बात कर सकते हैं बाद में अगर आप चाहें तो। और कराची का शहर उस जमाने में 2.5 मिलियन का शहर था, आज 16 मिलियन का शहर है। तो ये तब्दीलियां खुद ब खुद नहीं आई, और ये जो तब्दीलियां हैं समझने की जरूरत है क्यों आई, और ये तब्दीलियां अभी रुकी नहीं हैं, ये जारी हैं, और ये हमें कहाँ लेके जा रही हैं। तो इस पर मैं थोड़ा सा तबसरा करूंगा, और सबसे पहले मैं फ्यूडलिज्म का जिक्र करूंगा जिसको मैंने इंट्रोड्यूस कराया इस बात के जरिए। ये जो हमारा फ्यूडलिज्म है, था बल्कि है नहीं, बदल गया है, इसकी शक्ल अलग है, ये जमींदारी सिस्टम नहीं था, ये फ्यूडल्स का कंप्लीट कंट्रोल नहीं था सल्तनत में, ये एक नेक्सस था कॉलोनियल एस्टैब्लिशमेंट और फ्यूडल्स का, जिसमें फ्यूडल जूनियर पार्टनर्स थे, सीनियर पार्टनर्स नहीं थे। अंग्रेजों ने ये निज़ाम कायम किया था लैंड सेटलमेंट पॉलिसीज के जरिए से, और ये मुख्तलिफ लैंड पॉलिसीज मुख्तलिफ दौर में नाफिज की गई, उनमें तब्दीलियां भी होती रही। लैंड पॉलिसी क्या थी, यानी बुनियादी तौर पर, हालांकि इंटरप्रिटेशन उसके बदले मुख्तलिफ दौर में। दे यूर जो रीजन इलाका इस वक्त पाकिस्तान का है,
इसमें हेरिडिट्री लैंड ओनरशिप नहीं थी, डिफैक्टो थी निजात इलाकों में, जमीन सारी सल्तनत थी, एक ब्यूरोक्रेसी थी जो जमीन को टैक्स करती थी डायरेक्टली वो किसान से बताई देती, और एक मनसबदार गवर्नर या बादशाह दिल्ली का मुकर्रर करता था जिसे अंग्रेजी में कहते टू फार्म द रेवेन्यूज, तो वो रेवेन्यूज की फार्मिंग का जिम्मा था, और ये हेरिडिटी नहीं होता था, ये जो मनसबदारी सिस्टम था ये हेरिडिटी नहीं था। अंग्रेजों ने ये किया कि जो मनसबदार थे उनको जमींदार बना दिया, और जो किसान थे इंडिपेंडेंट किसान थे वो मनसबदार थे हारी और सर्च बन गए। ये तब्दीली पूरे पाकिस्तान में अलावा NWFT के ये तब्दीली अंग्रेज लेके आए। जो अहम शख्सियतें थी मजहबी शख्सियतें उनको भी जमीनें और जागीरें दी गई हेरिडिटी, क्योंकि उनके सपोर्ट की जरूरत थी। और ये जो इन्होंने तबका कायम किया अंग्रेजों ने, इसके बहुत सारे फंक्शंस भी थे, और वो फंक्शंस बहुत क्लियरली स्पेल्ड आउट हैं इनकी तसानीफ में और इसी के मुख्तलिफ जो गजेटियर्स बनते थे उस जमाने में उसमें। ये क्या थे फंक्शंस? एक तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करना, और जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करना। मेरे बचपने में भी एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बेदार पे मेंटेन होता था, जो जमींदार डीसी के हवाले लोग करता था, लंगर लगाया जाता था तो उसको मेंटेन करते थे। दूसरा फंक्शन ये था कि क्लास और कास्ट रिश्ते जो हैं, जो अंग्रेजों ने डिफाइन किए थे हिंदू कास्ट सिस्टम से निकाल के, उनमें तब्दीली ना आए। जब भी तब्दीली आने का खतरा होता था तो कानून में तब्दीली की जाती थी। मसलन जब एंटरप्रेन्योरियल क्लास बड़ी तेजी से पंजाब में पैदा होनी शुरू हुई कैनाल कॉलोनीज के नतीजे में, तो एलियनेशन ऑफ लैंड एक्ट नाफिज किया गया। एग्रीकल्चरस जातें आइडेंटिफाई की गई और एंटरप्रेन्योरियल जातें आइडेंटिफाई की गई, और ये फैसला किया गया कानून के तहत कि एग्रीकल्चरल कास्ट जो हैं, जो एंटरप्रेन्योरियल कास्ट हैं, वो जमीन हासिल नहीं कर सकेंगे और नहीं खरीद सकेंगे। ये भी फैसला किया गया कि जो एंटरप्रेन्योरियल क्लासेस हैं उनके बच्चों को दाखिला नहीं दिया जाएगा हुकूमत के स्कूलों में, और उनको हुकूमत की मुलाजिमतें नहीं की जाएंगी, और जो बहुत सारी तफसीलात हैं जिसमें मैं नहीं जाना चाहता, मगर इस तरह से ये मेंटेन की गई कास्ट रिलेशनशिप। अच्छा, तीसरा फंक्शन ये था कि जो कॉलोनियल स्टेट था उसकी मदद की जाए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में, जो बहुत बड़ा रोल था इनका, ये जो मार्केट कमिटीज होती थी उसमें, लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस में, और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू में। ये सारी चीजें ये क्लास जो कायम की गई थी ये गारंटी करती थी। और आगे चल के इंटरमॉडल रिफॉर्म्स के बाद इस पर और भी फंक्शन नाफिज किए गए कि इस्टेब्लिशमेंट को ये वो नतज दिलाए सियासी अमल में जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी। अब ये जो इन्होंने क्लास कायम की थी वो ये सब चीज़ें किस तरह से ये अमल में ला सकती थी? पहली बात तो इसके जो लोकल कास्ट और क्लास गवर्नेंस सिस्टम्स थे उनको मजबूत बनाया गया। जिरगा, पंचायत, मुखी, पटेल, और इनको ऑफिशियली जो निज़ाम था उसमें एक जगह दी गई।
दूसरा तरीका कि गांव की सतह पे जो इकोनॉमी थी वो बार्टर इकोनॉमी थी और उसको बार्टर इकोनॉमी को कायम रखा गया, जबकि कॉलोनियल स्टेट की अपनी जो इकोनॉमी थी वो कैश इकोनॉमी थी, वो बार्टर इकोनॉमी नहीं थी। तीसरा तो जो पर्सनल और प्रॉपर्टी लॉ था, रियाया था, उसका जो पहली जगह जहां वो अपील कर सकता था वो पंचायत और दीर्घाई में था, क्योंकि ये इदारे इतने मजबूत बना दिए गए थे, पहले से थे मगर इनको मजबूत तकवीत पहुंची थी। और आखिर में जो बहुत अहमियत रखती है बात, वो एक जो बातें इकोनॉमी थी वो एक सबसर्वियंट आर्टिजानल कास्ट के जरिए से बरकरार रखी गई। और ये जो आर्टिजानल कास्ट थी इसको कमी कहते थे, अभी कहते हैं कमी, हालांकि अब लव ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। कमी कौन थे? कमी लोहार था, कमी जुलाहार था, कमी बिजली था, कमी नाई था, लंबी लिस्ट है। और ये इन्हें पैसा नहीं दिया जाता था, इन्हें दाने दिए जाते थे, और जो भी इन्हें दाना देता था एग्रीकल्चरिस्ट वो इनसे काम करा सकता था मुफ्त। इन्हें मकान रखने की इजाजत नहीं थी, ये जानवर नहीं रख सकते थे, क्योंकि इन्हें पूरी तरह से डिपेंडेंट होना पड़ता था एग्रीकल्चर कास्ट पे। ये अपनी मूछ ऊपर नहीं रख सकते थे, नीचे रखनी पड़ती थी, ये घोड़े की सवारी नहीं कर सकते थे। और ये मैंने चीजें अपने बचपन में मियाँ चुन्नी में देखी, तो ये इतनी पुरानी बात नहीं है। अच्छा, अब मेरा जो ये जो पाकिस्तान का मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मौजूदा नहीं जो था, इन्होंने मुशर्रफ ने तो उसको थोड़ा उलट पुलट कर दिया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और सिस्टम था और इसके लिए जो सियासी इंस्टीट्यूशंस बने और ऑपरेट हुए, उनमें लिबरल कॉन्स्टिट्यूशंस भी थे, एंग्लो सैक्सन लॉ भी था, मगर मेरी नज़र में ये सब इस वास्ते टॉलरेट हुए, बर्दाश्त किए गए, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा पावर था जो इनको इनऑपरेटिव बना सकता था और बनाया इसने लड़ी लड़ी। आज जो एक बहुत बड़ा मसला है मुल्क का, और ये मसला मैंने मेरी आंखों के सामने इवॉल्व हुआ है, वो ये है कि ये जो नेक्सस था ये खत्म हो चुका है, और जो जमींदार तबके को फंक्शंस दिए गए थे वो अब वो फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता, मुमकिन नहीं है। और इसकी वजह बहुत सारी वजूहत है, बहुत बड़े पैमाने पे तब्दीली है, और वो तब्दीली क्या है मैं थोड़ा सा उसका जिक्र करूंगा। पहली बात तो पार्टीशन के नतीजे में बहुत बड़ी तब्दीली आई, आप कहीं भी चले जाइए पाकिस्तान में पार्टीशन का जिक्र होता है, आहिस्ते आहिस्ते कम होने लगा है, मतलब जब मैंने काम शुरू किया था तो बहुत जिक्र होता था पार्टीशन का, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और मैं कुछ आदाद व शुमार दूंगा आपको जो अमूमन पाकिस्तानियों को पता नहीं है। 1951 का जो सेंसस था उसमें 48% पाकिस्तानियों ने यह कहा, शहरी पाकिस्तानियों ने, कि वो हिंदुस्तान से आए हैं। 17% पूरे पाकिस्तान की आबादी और 48% शहरी आबादी ने यह कहा। ये इतनी बड़ी तब्दीली है कि मेरे ख्याल में ये दुनिया में कहीं नहीं हुई, हिंदुस्तान के पंजाब में भी नहीं हुई जहाँ से इतने सारे लोग यहाँ से माइग्रेट करके गए। मेरे 3 साउथ पंजाब के देहातों की स्टडी है, एक वो जो कि कैनाल कॉलोनी से पहले बने हुए थे देहात जिन्हें मौजा कहते हैं, दूसरे वो जो कैनाल कॉलोनीज के दौरान बने, और तीसरे जहां ईस्ट पंजाब से महाजिरा से बचे। इन तीनों में
बहुत बड़ा फर्क है। जो नए देहात हैं, नई आबादी है, 47 में आई अपवर्डली मोबाइल, उसके रिश्ते शहरों में बहुत मजबूत और वहाँ लोकल गवर्नेंस सिस्टम प्लान और ब्राजिंग के मुकाबलतन कमजोर है। इसी तरह से लाहौर के मेरा एक पीएचडी स्टूडेंट था दुबई में, उसका थीसिस शहर पुराना शहर था लाहौर का, और उसने दो मोहल्ले लिए, एक वहाँ वो मोहल्ला जहाँ महाजर आके बसे और एक वो मोहल्ला जहाँ पुरानी आबादी थी, जहाँ नई आबादी थी जहाँ महाजर आके बसे थे, वहाँ आबादी जो थी वो बिरादरी के गिर्द नहीं थी, जबकि दूसरी जगह बिरादरी के गिर्द थी। आबादी मुकाबलतन गरीब थी मगर अक्सर भी मोबाइल थे, उसके रिश्ते थे दूसरे शहरों में जबकि पुरानी आबादी के नहीं थे। और ये बहुत खूबसूरती से एक पंजाब के चौधरी ने समप किया। दुदीवाला में, दुदीवाला गांव है फैसलाबाद के पास, वहाँ हम एक दफे गए। मैं ये चंद वाक्यात बताऊंगा, मेरे ख्याल से क्योंकि उससे ज़्यादा बात समझ में आती है थियराइजेशन से ज़्यादा। वहाँ हम गए इस गांव में, चौधरी का नाम अंदर रखा था, गरीब आदमी था काफ़ी, 1989 की बात है। मैंने चौधरी से कहा, चौधरी साहब ये बताओ आजकल यहाँ सूरत हाल क्या है। मैं सियासी बात कर रहा था मगर उसने दूसरी तरह से समझा। उसने कहा अफरा तफरी है। मैंने कहा किस तरह की अफरा तफरी है? कहने लगा कि एक अराई के लड़के ने एक धोबी की लड़की से शादी की है, इससे बड़ी अफरा तफरी क्या हो सकती है? और उसने बताया कि क्यों यह गलत है। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है, ये अफरा तफरी क्यों है? कहने लगा ये जो बच्चे थे पंजाब के महाजर आए थे उनकी वजह से। मैंने कहा उनकी वजह से क्यों है? कहने लगा कि ये आए गरीब थे, पैसा चाहिए था, नौकरी चाहिए थी, घर चाहिए था, अराई धोबी बन गया, धोबी अराई बन गया, कारोबारी आदमी कुछ बन गया, राज कुछ और बन गया, जात और पेशे का रिश्ता खत्म हो गया, इससे बड़ी बेवायती क्या हो सकती है? ये बहुत अहम बात है ये जो उसने कही। फिर मैंने उससे पूछा कि कई साहब आप अब भी फैसले करते हैं? कहने का हाँ लोग आते हैं मेरे पास फैसले करने को। तो मैंने कहा फिर तो आप MNA MPA से भी बहुत बड़े हुए। कहने के नहीं, पंजाबी में बोल रहा था। कहने का काके तुम तो बहुत बेवकूफ हो। कोई नहीं, जिसके हक में फैसला करता हूँ वो मुझे मिठाई का डिब्बा ला के देता है, जिसके खिलाफ फैसला करता हूँ वो FIR जाके कटाता है या अदालत में जाता है। मेरी अब हैसियत नहीं रही। मेरे पास 53 इंटरव्यू हैं इस किस्म के चौधरियों के, और तकरीबन सब के सब का मुख्तलिफ जगह पंजाब, सिंध में राइट बैंक पे सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है, और मोर और लेस जो जवाब मिलता है वो यही मिलता है जो चौधरी अल्लाह रखा ने मुझे दिया। दूसरी जो तब्दीली आई, जो बहुत ही बड़ी तब्दीली थी, वो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज थी जो अयूब ने, शुरू तो पहले ही हो गई थी मगर अयूब ने बहुत बड़ी पुश दी 1960 में। इसके जरिए से नए बीज, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर जो हैं वो इस्तेमाल होने शुरू हुए, और इनके ऑप्टिमम इस्तेमाल के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज के लिए मैकेनाइजेशन भी जरूरी थी। और इन सब चीज़ों के लिए ना सिर्फ कैश चाहिए था बल्कि कर्जा भी चाहिए था, दोनों चीज़ें चाहिए थी। और इसके नतीजे में देहाती पैदावारी निज़ाम जो था उसमें बहुत सारे नए खिलाड़ी दाखिल हुए। इनमें बीज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड की एक्सटेंशन एजेंसीज थी, बैंक थे, ट्रैक्टर्स थे, ट्यूबवेल्स थे, ट्रॉलीज थी, सेंट्रल शुगर पंप्स थे, और इन सब की देखभाल करने के लिए मैकेनिक्स थे, और एक बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर वजूद में आया।
और ये जो सर्विसेज सेक्टर था, ये मेरी किताब में इसके आधार पर शुमार भी है, ये जो सर्विसेज सेक्टर था ये छोटे शहरों में आके इसने अपना दफातर और एक्सटेंशन एजेंसीज खोली। और इसका स्केल कितना बड़ा था उसका मैं थोड़ा सा आपको अंदाजा देती हूँ कि पंजाब में औसतन 60 की दिहाई में 3,600 मिलियन रुपए सालाना ट्रांसफर हुए हैं रूरल से अर्बन इकोनॉमी में। इसके नतीजे में जो बाटर इकोनॉमी थी देहातों की वो आहिस्ते आहिस्ते कैश में तब्दील हो गए, और जो आपके देहाती इलाके थे वो शहरी इंडस्ट्रियल गुड्स के मार्केट बनते रहे। ये अमल जब ही शुरू हो गया था। अब बड़े जिम्मेदारों को तो बहुत फायदा हुआ इस कैश इकोनॉमी से, और इन्हें तगड़े भी मिले, पन कर दें काम कंप्लीट हो गए। नहीं चलते तो ये जो इंडस्ट्रियल गुड्स थे शहरों के लिए वहां आने शुरू हुए, और क्योंकि छोटे किसान को मीडियम लेवल लैंडलॉर्ड को कर्जा नहीं मिल सकता था हुकूमत की तरफ से, इस वास्ते आरतियों का जो रोल था वो बहुत बड़े पैमाने पे उसका उसमें इजाफा हुआ। इसकी तफसीलात भी आपको मिल सकती हैं, आप तो अगर आप आजाद व शुमार देखें तो ये रोल बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ा। अब इसकी वजह से चमारों की जरूरत नहीं हुई, जूतियाँ शहर से आनी शुरू हो गई बाटा की और सर्विसेज की, जुलाहों की जरूरत नहीं हुई, कुमार जो हैं उनकी इतनी ज़रूरत नहीं हुई जितनी पहले होती थी, क्योंकि एल्यूमिनियम के बर्तन प्लास्टिक के बर्तन कूलर आने शुरू हो गए, लोहारों की ज़रूरत नहीं हुई क्योंकि इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर इंप्लीमेंट्स आने शुरू हो गए। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि सुनार जिसका इतना अहम किरदार होता था, क्योंकि सारी जो बाटर इकोनॉमी थी उसमें जो कर्जे दिए जाते थे वो सुनार के जरिए दिए जाते थे सोने में, वो भी छोड़ के देहात चला गया क्योंकि अब स्टैंप पेपर आ गए बैंक्स आ गए तो सुनार की जरूरत भी नहीं रही। तो ये जो पुरानी देहात की इकोनॉमी थी ये 60s में तब्दील होनी शुरू हुई बड़ी तेज़ी से, और 80 की दिहाई में मेरे ख्याल में बेशतर पाकिस्तान में ये तब्दीली मुकम्मल हो गई। साथ साथ पाइप वाटर स्कीम्स आई, हैंडपम्प्स आए, बिश्ती चले गए, जो जानवर थे जो पानी निकालते थे वो भी चले गए, और गांव का कुआं भी चला गया। अब बहुत कम गांव ऐसे हैं जहां कुआं है जिसके लोग गिर बैठते हैं, बस ये ख्वाब है, असल में ऐसा नहीं है। मगर जो सबसे बड़ी तब्दीली आई उसको मैं सुजुकी रेवोल्यूशन कहता हूं, पर वो असल मायनों में इंकलाब था जब सुजुकियों के लिए कर्जे दिए गए 70s में, तो ये सारा जो मार्केटिंग का सिलसिला था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का इसमें तब्दीली आई, और एक नया खिलाड़ी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में दाखिल हुआ वो ट्रांसपोर्टर था। और इसकी वजह से बहुत सारे मंडी टाउन गायब हो गए क्योंकि सुजुकी की आउटरीच ज्यादा थी, बहुत सारी ऐसी जगहें बन गई जहां से डायरेक्टली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पिकअप होना शुरू हुआ, और एक नया निजाम जिसमें आरपी ट्रांसपोर्टर और माशाखोर एक हो गए उसने आपकी मंडियों को कंट्रोल करना शुरू किया। इसी के साथ साथ ये जो तब्दीलियां मैंने बयान की हैं, छोटे शहरों में जो बिजनेसेस खुली उनके नतीजे में अंजुमन ताजिरान वजूद में आई, उसका मैं आगे चल के थोड़ा सा जिक्र करूंगा। तो ये तब्दीली आपके यहाँ आई है और ये तब्दीली जारी है, कहाँ जारी है ये कहाँ लेके जा रही है हमें मैं बाद में जिक्र करूंगा,
उससे पहले मैं थोड़ा सा लैंड रिफॉर्म पे बात कर दूं। लैंड रिफॉर्म जरूरी है पाकिस्तान में, क्योंकि जो पॉलिटिकल पावर है आपकी जिम्मेदार कास्ट का, उसको तोड़ने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए जरूरी है। मगर ये किस किस्म का लैंड रिफॉर्म होगा? ये जो मैंने तब्दीलियां बताई हैं और जो प्रेशर्स हैं उसके नतीजे में जो जमीन की ओनरशिप के पैटर्न हैं सारे, वो बिल्कुल बदल चुके हैं। और हमारे बहुत सारे दोस्त जो दबाव डालते हैं कि ट्रेडिशनल किस्म का लैंड रिफॉर्म हो, उनसे सवाल ये है कि वो किस तरह होगा? 54% रूरल हाउस होल्ड जो हैं उनके पास तो जमीन नहीं है, वो तो बेजमीन है। आज 99% आपके जो फार्म लैंड हैं वो 0.5 और 20 हेक्टर्स के दरमियान, और इन फिगर्स को कोई चैलेंज नहीं करता बाय द वे, ये एग्रीकल्चर सेंसस की फिगर्स हैं। और ये जो 5.5 और 20 हेक्टर्स के दरमियान फार्म लैंड हैं, इनका इनकी जो अराजी है वो 80% है टोटल फार्म लैंड, और उनमें से 72% फार्म ऐसे हैं जो कि मकरूज हैं आड़तियों, 82% सारा लेबर और शेयर क्रॉपर्स इन फार्म्स पे काम करते हैं, छोटे फार्म्स पे। तो अगर हम लैंड रिफॉर्म चाहते हैं तो ये जो हकायक हैं इनको सामने रखना पड़ेगा, इसके बगैर आप लैंड रिफॉर्म नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल में ज़रूरी है लैंड रिफॉर्म, चुनाचे ये जो हकायक हैं अकमल हुसैन साहब ने कुछ प्रपोजल्स दिए हैं, इन्हीं को मद्देनजर रख के इन हकायक को, वो एक और मजमून है। दूसरी तब्दीली जो आई है वो आपके GDP में है। 1949-50 एग्रीकल्चर की GDP 53.2%, सर्विसेज सेक्टर की 40% तकरीबन, 07-08 में एग्रीकल्चर सेक्टर की 21%, मैन्युफैक्चरिंग की 19 और सर्विसेज और ट्रेड की 7। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है। अब इस तब्दीली का रिश्ता आप शहरों से इस तरह से जोड़ेंगे, ये देखने की जरूरत है कि शहरों में क्या हुआ है। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि आपकी जो कमी थे, जिन्हें कमी कहते भी बुरा लगता है, वो सब माइग्रेट करके देहात छोड़ के शहर आ गए, और वो शहर के आर्टिजान हैं, बिजनेसमैन हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे कराची हो, मुल्तान हो, रावलपिंडी हो, पेशावर हो। और इनकी माइग्रेशन की वजह से बहुत बड़ी तब्दीलियां देहाती इलाकों में भी आई हैं, जिसको मैंने बयान कर दी। मगर हम देखें कि ये माइग्रेशन कितना बड़ा है, कुछ आज़ाद शुमार दूँ आपको। 1998 सेंसस के हिसाब से 10.8 मिलियन या 8% पाकिस्तानी इंटरनल माइग्रेंट्स हैं, इनमें से 64% 64% माइग्रेट करके कराची, लाहौर या रावलपिंडी गए हैं, आप अंदाजा लगाइए। 13% माइग्रेट, टोटल माइग्रेंट्स वो कराची आए, और 24% माइग्रेंट्स मुल्क छोड़ के मुल्क से बाहर गए। अब मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, मगर इसमें जो तब्दीलियां हैं आई होंगी इसके नतीजे में, वो आप खुद समझ सकते हैं। उनको मैंने खासी तफसील से अपनी किताब माइग्रेशन इन स्मॉल टाउन्स में बयान किया है। क्या हो रहा है बड़े शहरों में जो इन माइग्रेंट्स के जरिए देहातों में ट्रांसफर हो रहा है? थोड़ी सी बात करें, एक तो जिन शहरों में हमने काम किया, हमने पूछा लोगों से कि तुम शहर छोड़ के क्यों गए, तुम्हारे रिश्तेदार क्यों गए, या जो जाके बसे उनसे पूछा तुम क्यों आए। 3 वजूहात। 1, कि हमें आज़ादी मिली शहर आके, जो हमारे पे जबर था खानदान का, बासठ लोगों का, उससे हम आज़ाद हुए।
दूसरी वजह, हम अपने बच्चों को तालीम दिलाना चाहते थे, हम वहाँ तालीम नहीं दिला सकते, तो इस वास्ते हम जो है छोड़ के आए। तीसरी वजह जो है, हमें मुलाजिमत चाहिए थी जिसमें इज्जत हो, और दो किस्म के माइग्रेंट्स मिले इस हवाले से, अनस्किल्ड और स्किल्ड। स्किल्ड उन्हें वहाँ जाना था जहाँ स्किल्स की ज़रूरत थी, अनस्किल्ड को वहाँ जाना था जहाँ से उनकी आमदनी बढ़ सकती थी। अब बड़े शहरों में क्या हो रहा है, जो चीज़ें ट्रांसफर हो रही हैं, हो चुकी हैं बल्कि देश तक, कराची को ले लीजिए, कराची को देखिए थोड़ा। सेंसस में सबसे अहम जो एज ग्रुप होता है वो 15 और 24 का होता है, क्योंकि ये जो 15 और 24 का एज ग्रुप होता है, ये आपका मुस्तकबिल यही तय करता है। ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना, 15 मिनट। इस एज ग्रुप में 1981 इन इंग्लिश ऑल्सो, क्योंकि बहुत मुझे कहा जाता है कि उर्दू की नहीं समझ आती फिगर्स की, तो 1981 में 66% मेन्स जो थे इस एज ग्रुप में, वो लिटरेट थे, और 64% खवातीन लिटरेट थी। आज अगर हम 1998 की फिगर्स को लेके चले तो 83% मेल्स लिटरेट हैं और 85.2% फीमेल्स लिटरेट हैं इस एज ग्रुप में। इसी तरह से इस एज ग्रुप में 1981 में 13% मर्द जो हैं वो शादीशुदा थे और 37% खवातीन शादीशुदा थी। अगर हम सभी 98 की फिगर्स को प्रोजेक्ट करें तो इस वक्त 20% से कम खवातीन इस एज ग्रुप में शादीशुदा हैं और 7% से कम मर्द इस एज ग्रुप में शादीशुदा हैं। अगर आप लाहौर का सैंपल लें तो लाहौर का सैंपल कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, सियालकोट का लें तो हमारे से बेहतर है। पहली दफ़ा इन शहरों की तारीख में, कराची की तारीख में, गैर शादीशुदा एडोलेसेंट्स अक्सरियत में है, और आपको कोई भी सोशियोलॉजिस्ट बना बता देगा कि इसके नतीजे में जेंडर रिलेशंस और फैमिली स्ट्रक्चर्स में तब्दीली आती है, और बहुत बड़ी तब्दीली आती है, और वो तब्दीली कराची में आ चुकी है और दूसरे इलाकों में भी आ रही है। अगर आप 1989 का सर्वे लें कराची का मास्टर प्लान का, तो 64% खानदान नीतियों खानदान थे। आप 2005 का सर्वे लें तो 89% खानदान उसी डेफिनेशन के हवाले से नीतियों खानदान थे। अब इसके नतीजे में ग्रेटर फ्रीडम्स हैं, आज़ादी है, और उस आज़ादी को अगर हमने डॉक्यूमेंट किया है, इसकी बहुत वजूहत है आज़ादी की। एक तो डेंसिटी इतने इलाकों की इतनी बढ़ चुकी है बात की कि आज़ादी खुद ब खुद आ जाती है, उसके नतीजे में बाबा घर पे नहीं होता, वक्त बहुत लगता है आने जाने में, औरतों की इनकम बगैर चूल्हा नहीं जल सकता, और बहुत बड़ी वजह कि जो पुराने कैन रिलेशन थे, एक्सटेंडेड फैमिली रिलेशन वो खत्म हो गई।